एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं भ्रष्टाचार की। जी हां, ये भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है और रोजाना जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें तो वो लगातार छापे मार रही है और कई गिरफ्तारियां जो है उभरकर सामने आ रही है। आपको ताजा अपडेट दे दें, एक तहसीलदार पर जो है गाज गिरी है। एक तहसीलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। जी हां, रोहित कुमार नाम बताया जा रहा है इस तहसीलदार का, जो बाऊ तहसील से ताल्लुक रखता है। उसने रिश्वत लेते हुए, रिश्वत मांगते हुए और रिश्वत को एक्सेप्ट किया, इसी पर जो है कार्रवाई करते हुए एसीबी ने ट्रैप किया और एसीबी ने इसे धर दबोचा। जी हां, तहसीलदार की बात करें, रोहित कुमार की बात करें, रोहित कुमार पर गाज गिर चुकी है। रोहित कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है हिरासत में लिया है। जी हां, भ्रष्टाचार का मामला है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। अगर आपको कहीं पर भी कोई कार्य करवाना है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जिस तरह से यहां पर पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रहा है और उसी का नतीजा है कि यहां पर जो है तहसीलदार को ट्रैप किया गया और तहसीलदार को जो है गिरफ्तार किया गया। ये तहसीलदार जो है ब्राइब, रिश्वत जो है उसकी मांग कर रहा था और रिश्वत को उसने एक्सेप्ट किया, इसी पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को अरेस्ट कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पर कई मामले जो है प्रकाश में आ चुके हैं जिसमें जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए हमारे प्रशासन की बात करें, हमारी एजेंसीज की बात करें तो वो सतर्कता का परिचय भी दे रही है और लगातार जो है ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार जो है अभी भी जड़ों से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी अगर आपको कोई अपना काम करवाना है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। अब वक्त दूर नहीं है जब भ्रष्टाचार को जो है यहाँ से जड़ों समेत जो है वो समाप्त किया जाएगा। अगर आप भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं तो आप तुरंत जो है कार्रवाई कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ज़रूर जो है इस पर कार्रवाई होगी। तहसीलदार जो है इससे पहले भी जो है कई शिकायतें जो है मिल चुकी हैं और ट्रैप करने के बाद रोहित कुमार तहसीलदार को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है इसको रंगे हाथों जो है रिश्वत लेते पकड़ा है। फिलहाल ये मामला जो है तहसीलदार का है जो भ्रष्टाचार का बोलबाला कर रहा था, लेकिन अगर विभिन्न विभागों की बात करें हर विभाग में जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है अपनी चरम सीमा से जो है लांघता हुआ लोगों पर राज कर रहा है। अब वक्त आ गया कि लोगों को पहल करनी होगी, आम जनता को पहल करनी होगी। अगर कोई भी अधिकारी आपसे भ्रष्टाचार की बात करता है आप तुरंत उसकी शिकायत जो है वो दर्ज करवाएं और यकीनन आप शिकायत पर कार्रवाई होगी और जिस तरह से तहसीलदार को अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है, आपके मामले में भी सुनवाई जरूर होगी। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।